दोस्तों चंद्रयान दो के बारे में आपने बहुत से न्यूज़ देखे होंगे, लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि चंद्रयान दो सफल हुआ या असफल, लेकिन आपको आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। और दोस्तों ऐसे में हर किसी के दिमाग में यह सवाल उठना आम बात है कि आखिर इसरो पृथ्वी से इतनी दूर स्थित लैंडर विक्रम से संपर्क की कोशिश कैसे कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आखिर चंद्रयान दो से कैसे संपर्क होता है धरती पर, जानने के लिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्रामों में से एक चंद्रयान 2 के सफल या असफल होने के बारे में अभी तक कोई आधारित पुष्टि नहीं हुई। 7 सितंबर की रात अब तक देश और दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि इसरो का जल्द से जल्द विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाए। भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO लगातार लैंडर से कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उससे संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें, इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर सटीक लोकेशन का पता लगा लिया है, और इसरो की वैज्ञानिक टीम लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। पृथ्वी से दूर स्थित किसी ग्रह पर मौजूद किसी भी मिशन से संपर्क के लिए विशेष फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, ताकि उसे बिना रुकावट के कम्युनिकेट किया जा सके। विक्रम लैंडर के लिए भी एक विशेष फ्रीक्वेंसी सेट की गई है, जिसके द्वारा इसरो उसे समय समय पर कमांड भेज रहा है। इस तरह के कमांड को भेजने, दूसरे ग्रह पर स्थित मशीन द्वारा उसे प्रोसेस करने और बाद में उसे रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए विक्रम को एक एक करके अलग अलग कमांड भेजा जा रहा। हालांकि अभी तक लैंडर की तरफ से किसी भी कमांड का रिप्लाई नहीं आया है। इस काम के लिए इसरो ने कर्नाटक में एक विशेष एंटीना भी लगाया है, जो इसरो के बेंगलुरु स्थित स्पेस सेंटर से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें, विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क के लिए उसमें 3 ट्रांसपोर्टर और 1 एंटीना लगा है। ये सारे सिस्टम मिलकर पृथ्वी पर स्थित स्पेस सेंटर से लैंडर का संपर्क स्थापित करते हैं। इन सभी यंत्रों को ऊर्जा देने के लिए लैंडर में बैटरी और सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। अगर विक्रम लैंडर के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम सही हैं और इसके लिए बैटरी या सौर पैनल प्राप्त ऊर्जा को जनरेट कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसरो का लैंडर से संपर्क हो जाएगा। दरअसल इसरो चेयरमैन के सिवन ने कहा है कि स्पेस एजेंसी अभी हार नहीं मानेगी, तथा 15 दिनों तक लैंडर विक्रम से संपर्क करने की हर संभव कोशिश जारी रहेगी। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक, विक्रम ने लूनर सरफेस पर तय जगह से 500 मीटर दूरी पर हार्ड लैंडिंग की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसमें कोई खराबी नहीं आई है। सूत्रों की माने तो इसरो की टीम की कोशिश है कि लैंडर विक्रम से एक बार फिर संपर्क हो जाएगा। आपको बता दें, यह एक यूनिक मिशन है, जिसका मकसद केवल चांद के लिए ही हिस्से का अध्ययन करना नहीं था, बल्कि इसे सभी हिस्सों का आलंकन करना था। दोस्तों ये है चंद्रयान 2 का खबर जो मैंने आपको बता दिया। चंद्रयान 2 के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, और हर एक ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।